लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ऑफ एक्सरसाइज फोर डी दैट इज कॉर्डरेटिक्वेशन इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं आर रियल एंड इक्वल रियल हैं और इक्वल हैं देन शो दैट आर इधर एक्वल्स टू जीरो हमें क्या शो करना है कि ए या तो जीरो के इक्वल है या ए क्यूब प्लस बी के इक्वल है तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं इक्वेशन दे रखी है हमें प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू जीरो हमारी इक्वेशन लिखी हुई है अब हमें पता है रूट्स इस इक्वेशन के रियल हैं और इक्वल है तो वो देखने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा और उसके लिए ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी डिस्क्रिमिनेंट के लिए तो ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट मतलब एक्स स्क्वायर के अलावा सारी वैल्यू तो वो आ गई हमारी सी स्क्वायर माइनस ए बी बी क्या होता है एक्स के कॉफिशेंट तो एक्स का कॉफिशेंट कौन है माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी सी तो हमने वही लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी सी और c क्या हुआ हमारी बाकी की कांस्टेंट वैल्यू दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए सी अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अब ए बी सी की वैल्यूज रख देंगे इसमें तो b था हमारा माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए है हमारा सी स्क्वायर माइनस ए बी और c है हमारा बी स्क्वायर माइनस ए सी राइट अब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस टू टूज ऑफ फोर फोर हो गया अब ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर तो ये लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर इसको अभी मैंने ओपन नहीं किया है फोर माइनस का अब ब्रैकेट्स देखिए इन दो ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व कर रही सी स्क्र की इस पूरे ब्रैकेट में और माइनस ए बी की मल्टीप्लीकेशन सी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए सी और माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी फोर एज इट इज अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करूंगी तो ये क्या बन रहा है एस ए माइनस बी का होल स्क्वायर राइट तो ये आया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए है हमारा ए स्क्वायर और बी है हमारा बी सी ब्रैकेट क्लोज माइनस फोर इन टू अब ये वाले ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ तो ये आ गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब क्यों क्यूब क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं तो ये आया बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब अब इसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई में बी की पावर्स ऐड हो गई तो ये आया माइनस ए बी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी ये आ गया अब फिर से ब्रैकेट्स ओपन करें तो फोर या ए की पावर फोर देखिए मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो गई प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी सी ब्रैकेट्स ओपन करें देखिए टू इंटू ए स्क्वायर बी सी अलग अलग वैल्यूज थी तो एक साथ लिख दिए उसको माइनस फोर इंटू यह बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी ब्रैकेट क्लोज अब फिर से बिगर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये आया फोर ए की पावर फोर प्लस फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फोर की मल्टीप्लीकेशन हो रही है फोर टूजा एट ए स्क्वायर बी सी ये जो बाहर फोर है इसकी मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट में इसी तरीके से माइनस फोर की मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट में तो ये आ गया माइनस फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर ए सी क्यूब माइनस माइनस प्लस फोर ए बी क्यूब माइनस प्लस माइनस फोर ए स्क्वायर बी सी अब आगे देखते हैं अब जो वैल्यू सेम है उसको सॉल्व कर लेते हैं जो वैल्यू सेम नहीं है उसको एज इट इज लिख देंगे अब अगर आप देखें बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक प्लस का एक माइनस का फोर है तो हमने इसको कैंसिल कर दिया अब फोर ए की पावर फोर एज इट इज प्लस फोर ए सी क्यूब एज इट इज देखिए ये कोई और वैल्यू नहीं है ये भी अलग वैल्यू है तो प्लस फोर ए बी क्यूब एज इट इज़ आप देखेंगे ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर बी सी ये माइनस का एट है ये माइनस का फोर है तो आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का लग जाएगा तो ट्वेल्व ए स्क्वायर बी सी आ गया हमारा डी अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू थ्री ए बी सी प्रूव करना था या ए इक्वल्स टू ज़ीरो राइट तो अब इसको एज इट इज पीछे लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे तो ये आया फोर ए की पावर फोर और प्लस फोर ए सी क्यूब प्लस फोर ए बी क्यूब माइनस ट्वेल्व ए स्क्वायर बी सी तो अब देखेंगे अब आप देखें कि ये पूरी इक्वेशन फोर से डिवाइड हो रही है तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया फोर से तो ये कितना आ गया मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था जब भी कोई भी नंबर कॉमन होता है पूरी इक्वेशन में तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं उस नंबर से तो ये आ गया एफ की पावर फोर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी सी ये आ गया अब क्या करेंगे आप देखिए ये हमारी जो इक्वेशन थी वो रियल एंड इक्वल थी और ये हमारी डी की वैल्यू आई है तो रियल एंड इक्वल के लिए हमें पता है डी किसके इक्वल होता है जब भी इक्वेशन रियल एंड इक्वल होती है तब d इक्वल्स टू जीरो होता है तो एक d की वैल्यू रख ली हमने a की पावर फोर प्लस ए c की पावर थ्री प्लस a b की पावर थ्री माइनस थ्री ए स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू जीरो राइट अब आप देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं इस थ्री ए स्क्वायर बी सी को इधर लेके आ सकते हैं तो ये आया ए की पावर फोर प्लस थ्री सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर बी सी अब क्यों क्योंकि ये इधर आके प्लस का हो गया तो प्लस का कर दिया ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि हमें क्या प्रूव करना था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू थ्री ए बी सी तो थ्री ए बी सी इसलिए मैं इधर की साइड ले आई अब आप देखेंगे इसमें से ए कॉमन निकल रहा है तो हमने यहाँ पे ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू थ्री ए स्क्वायर बी सी अब ये ए जो है ये मैं इधर डिनोमिनेटर में ले आई तो ये क्या बच गया ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू थ्री ए स्क्वायर बी सी अपॉन ए तो ए कैंसिल हो गया तो क्या बच गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू थ्री ए बी सी यही प्रूव्ड करना था हमें देखिए ए इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ प्रूफ करनी थी तो मैंने ये प्रूफ कर दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू थ्री ए बी सी इन दोनों में से एक चीज क्यों प्रूफ करनी थी इसमें से और इसमें से क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है आइदर आइदर मीन्स या तो ये प्रूफ करें या ये प्रूफ करें आंसर